तो हम बाइक उठाए और चल दिए हिजला पहाड़ की ओर। दोस्तों ये जो रास्ता है, ये जो जगह है, ये बहुत ख़ास जुड़ा हुआ है मेरे से, क्योंकि जब हमारा स्कूल टाइम था और कॉलेज समय था तो इधर हमारा रहना था। तो जितने भी गली हैं और जितने भी दुकानदार वगैरह हैं और काफ़ी लोगों से इधर में जान पहचान है, काफ़ी यादें ताज़ा हो जाती है। और हम जिस जगह जा रहे हैं हिजला पहाड़, उधर में हम बैर खाने के लिए जाते थे और सुबह में एक्सरसाइज भी करते थे, काफ़ी मज़ा आता था। काफ़ी दोस्त भी थे, लेकिन अब दोस्त से थोड़ा भेंट मुलाकात नहीं होता है, सब अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। तो बस जो भी होता है सोशल मीडिया में ही मुलाकात होती है और जो भी बातचीत होता है उधर ही होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम दुमका शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और पीछे एक पहाड़ स्थित है, ये हिजला पहाड़ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हिजला पहाड़ और हिजला मेला। तो सबसे पहले जर्नी एक्सप्लोर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से मेला लगना स्टार्ट हो गया है। हिजला मेला जनजातीय हिजला मेला है, जो कि एक राजकीय मेला का दर्जा है इसमें, और लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और बहुत तरीके से जो अलग अलग कैटेगरी के दुकान है वो सब लगते हैं और सब अपना भाग लेते हैं, प्रदर्शनी वगैरह होता है। और ये एक सप्ताह का मेला होता है, 2023 में एक सप्ताह का मेला होने वाला है और इसका स्टार्टिंग डेट है 24 तारीख से। 24 तारीख यानी कि शायद शुक्रवार है, शुक्रवार से अगला शुक्रवार तक ये मेला लगना है। तो आप देख सकते हैं आज 4-5 दिन पहले ही है, तो इस तरीके से मेला लगना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। पिछले 2-3 सालों से ऐसा था कि ये मेला मतलब लग ही नहीं रहा था कोविड के कारण। सारा मेला, सिर्फ ये हिजला नहीं, अगल बगल में जितना मेला है सारा बंद हो चुका था। तो 2 से 3 साल के बाद इसे फिर से लगने जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी भीड़ होने वाली है। इसी तरह और भी मेला हुआ कुछ फरवरी में, कुछ जनवरी में, तो वो सब में भी काफ़ी भीड़ देखा जा रहा था, तो इसमें भी काफ़ी भीड़ लगने वाली है। हालांकि ये है कि मतलब दुमका का काटीकुंड एरिया जो है वहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला होता है, उसमें भी काफ़ी भीड़ है। तो ये दोनों टैली करने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि वो 18 तारीख से शायद 28 तारीख होने वाला है, 10 दिन का मेला या फिर 12 दिन का है, और ये 24 तारीख से। तो पहले क्या होता था कि थोड़ा सा आगे पीछे का समय होता था, या तो पहले हिजला मेला होता था या फिर वो पहले शिवरात्रि मेला काटीकुंड का होता था। तो अब देखते हैं, लेकिन कंपटीशन तो अच्छा है, बाकी तारामाची वगैरह जो भी है वो सब सब लग चुका है। हम आगे आगे आपको लेके जाते हैं और मेले किस तरीके से अभी सेटअप हो रहा है वो सब सारा कुछ दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, अगर चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबा दें और मज़े लें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी काम है रोड वगैरह बनाने का वो सब सारा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लोग जुटे हुए हैं और अच्छी तरीके से जल्दीबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। और साथ में आप देख सकते हैं कि जितने भी दुकान वगैरह है और पंडाल जो बनता है वो सब सारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, कुछ तो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ तारा माची और ब्रेक डांस वो सब भी लग चुका है, कुछ बच्चे का ड्रैगन वाला जो ट्रेन है वो सब भी सेटअप हो चुका है। हम आगे देखते हैं कि आगे में भी कुछ कुछ काम चल रहा है उधर में, तो जैसे कि खेल वगैरह होता है तो उस सब के लिए भी ग्राउंड क्लियर हो रहा है। और जो रास्ता जो जाता है सीधे में वो नदी की ओर जाता है, वहाँ भी पैराशूट वगैरह आता है, हॉट एयर बैलून जो होता है वो सब उस तरीके का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और आने वाले समय में बोले तो इस साल जो है 2-3 साल के बाद जो मेला लग रही है तो लोग काफ़ी ज़्यादा आएंगे और काफ़ी भीड़ देखी जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि जितने भी बंदे हैं सब हिजला मेला का इंतज़ार कर रहे हैं। ये काफ़ी पॉपुलर मेला हुआ करता है और दूर दराज से आते हैं, ये राजकीय स्तरीय मेला है। आप देख सकते हैं इधर भी जितने भी स्टॉल होता है स्टॉल भी ऑलमोस्ट तैयार है, अलग अलग जैसे कि NGO वगैरह के और जो स्वयं सहायता समूह हो गया या फिर कुछ दुकान वगैरह का स्टॉल वो सब के लिए लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा होने वाला है, हमें भी बेसब्री से मेले का इंतज़ार है। जैसे आता है मेला हम ज़रूर घूमेंगे और जब मेला लग जाता है तो वो वाला वीडियो भी अच्छी तरीके से आपको शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।